वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जिसोर में चल रही अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता का बीते दिन हुआ समापन। रिटायर्ड प्रिंसिपल चंद्रलेखा शर्मा रही मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित। लगभग 45 स्कूलों से 500 बच्चों ने लिया था भाग। सीमित साधनों के बावजूद जसूर स्कूल द्वारा करवाया गया बेहतरीन टूर्नामेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं मीनाक्षी हाजिर हूं एक बड़ी खबर के साथ। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जसूर में हो रही ब्लॉक स्तरीय अंडर 19 स्कूली बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता का बीते दिन समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रिटायर्ड सीनियर प्रिंसिपल मैडम चंद्रलेखा शर्मा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी खेल प्रतियोगिता में जीत हार तो होनी ही होती है, जीत के एकदम बाद खुशी में जश्न मनाना भी एक सामान्य सी बात है और जीत की खुशी मनानी भी चाहिए, लेकिन जो खिलाड़ी हारे हैं उनको सांत्वना देना भी एक अच्छी खेल भावना का उदाहरण है। मुख्य अतिथि ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसूर के प्रधानाचार्य अनिल कुंद्रा व उनके सहयोगियों के प्रबंधन की तारीफ करते हुए कहा, आर्थिक व जमीनी साधनों की कमी के बावजूद 502 बच्चों का रहना, खाने पीने का प्रबंध तथा रात को बच्चों को सुलाने जैसी जरूरतों की चुनौतीपूर्ण व्यवस्था को सफलतापूर्वक करवाना वाकई में काबिले तारीफ है, जिसके लिए स्कूल प्रिंसिपल अनिल कुंद्रा के साथ स्कूल का स्टाफ भी बधाई के पात्र है। इससे पहले स्कूल के प्रधानाचार्य अनिल कुंद्रा ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया तथा आए हुए गणमान्य अतिथियों, विभिन्न स्कूलों से आए हुए पीटीआई अध्यापकों व बच्चों के अभिभावकों को अपने संबोधन में धन्यवाद करते हुए कहा कि स्कूल में सीमित खेल ग्राउंड, सीमित सरकारी आर्थिक संसाधनों के बावजूद आप लोगों के सहयोग के बिना इतना बड़ा आयोजन करवाना संभव नहीं था। उन्होंने साइंस अध्यापक रूपेश डडवाल का विशेष रूप से धन्यवाद किया जिन्होंने पूरे 4 दिन इस आयोजन में बच्चों व आए हुए अतिथियों के खान पान की व्यवस्था को बखूबी संभाला। अंतिम दिन बच्चों द्वारा स्कूल में रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल, जसोर मार्केट वेलफेयर कमेटी के प्रधान दिनेश जसरोटिया, व्यापार मंडल जसोर के कार्यकारी प्रधान राजीव कुमार, पंचायत प्रधान ज्योति देवी, प्रमुख समाज सेवी हरनाम सिंह, एसएमसी प्रधान पूजा देवी सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। श्रीमती चंद्रलेखा जी, प्रिंसिपल नगोड़ी श्री गौतम धीमान जी, राजू जी, अजय धीमान हेडमास्टर कर्नाला स्कूल, ऋषि महाजन जी, पंचायत प्रधान श्रीमती ज्योति देवी जी, एसएमसी प्रधान पूजा देवी जी, रवि जी, हरनाम जी, मेरे जेएसएससी के मेंबर खेमरा जी, रणधीर जी और सुभाष जी, वह फिर भी स्कूलों से आए वो डीपी पीडी साहिबान गौर के साथ आए प्लेस का तथा प्रेस फोटो का भी मैं इस विद्यालय परिसर में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। मैं इन शोर में ही अपनी बात रखूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि मैं इसको लंबा चीजों बोल रहा था, तो बहुत खुश है हमारे पास क्योंकि ये 4 दिवसीय जो टूर्नामेंट हुआ इसमें क्या क्या गतिविधियां हुई अगर उसको मैं डिस्क्राइब करने लगूंगा तो उसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा। मैं सिर्फ यहाँ से धन्यवाद ही करूँगा जिन जिन लोगों ने हमें यहाँ सहयोग किया है। तो महोदया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट में कुल 5 इवेंट हुए जिसमें 44 स्कूलों के लगभग 502 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया। ये थोड़ी सी करेक्शन है, पिछली बार जो थे वो हमने थोड़ी बैठा जो था 95 का था और स्कूल हमारे 45 थे,
बट एक्चुअली में जो डाटा मेरे पास आया है वो 44 करोड़ का है, जिससे 500 करोड़ के लगभग छात्रों ने जो है वो इस खेल कूद प्रतियोगिता में जो है वो भाग लिया है। और ये हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन के लिए मैडम जो अभी एक ऐतिहासिक कदम ऐतिहासिक पल है कि इस तरह का गैदरिंग जो है पहली बार इस ग्रुप को जोड़ने हुई है और ये इस विद्यालय के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैडम इस टूर्नामेंट को करवाना जो है हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि हमारे पास कुछ साधनों की कमी है। आप भी इसी इलाके में काफी समय तक प्रिंसिपल रही हैं, आप मेरी सीनियर रही हैं, आपके साथ मैंने 14 वर्ष तक काम भी किया है, हम क्लोज भी रहे हैं, बट एज ए प्रिंसिपल एज ए कोऑर्डिनेटर मुझे आपके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, परंतु एज ए टेक्नोलॉजी हमने बहुत सारा काम जो है बोलपुर में किया और लगभग 14 वर्ष तक जो है हम एक साथ रहे। तो यहाँ जो है छात्रों की कमी थी, ये हमारे लिए मैडम चुनौती थी, हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और आज हम इस आयोजन को जो है वो सफल बनाने में कामयाब हो गए। मैं इस सारी सफलता का श्रेय जो है वो प्रिंसिपल विद्यालय की टीम रवि जी, हरनाम जी, पप्पू जी, राजू जी का आभारी और धन्यवादी रहूंगा जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। अब मैं जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए कुछ किया है उसके बारे में बात करूंगा। मधु जी जो यहाँ नहीं आए हैं, अमृता स्कूल वाले और प्रवीण ठाकुर जी हैं, उन्होंने बच्चों के लिए जो है वो फ्रूट प्रोवाइड किए जिनके लिए मैं स्वस्थ विद्यालय के दीवार की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही राजू जी यहाँ बैठे हुए हैं मंच पे और एक मेरे दोस्त हैं कामेश शर्मा जी भरवोजी से, वो उनको मैंने बुलाया था वो आए नहीं। इन लोगों ने जो है 70 के से 70 मतलब 4 बजे के आसपास जो है बच्चों को बादाम वाला दूध जो है वो दिया। मेरा 30 साल का अनुभव रहा है, ये 30 साल मेरी जरूरत हो गई है और कई टूर्नामेंट मैंने करवाए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए पहला टूर्नामेंट है। अगर मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया था तो मुझे मालूम है कि कैसे इस चुनौती को हैंडल करना है और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं होता है, इसमें योगदान जो होता है वो विद्यालय के स्वस्थ सदस्यों का और जो महाशय टीपी और पीडीज होते हैं और साथ में जो कन्वीनर्स होते हैं जो गेम्स को करवाते हैं स्मूथली करवाते हैं उन्हीं का ही ये सारा योगदान रहता है जो इस टूर्नामेंट को जो सफल बनाते हैं। तो मैं कामेश जी और राजू जी का भी धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने जो है वो बच्चों के लिए बादाम वाला दूध पिलाया। तो मैं यही कह रहा था कि आज दिन तक जो है किसी बच्चे को ऐसा आहार जो कभी नहीं दिया गया है। अब आने वाले समय में सरकार से सोचती है कि 400 रुपया जो पर डे किया जाएगा तो वो थोड़ा सोचने का विषय है। इसके तहत से मैं नहीं कहूँगा कि 400 रुपया अगर करते हैं तो वो कौन देगा, हम देंगे या सरकार देगी, क्योंकि हमारे लिए तो 120 रुपये निकालना भी मुश्किल हो जाता है। अब हमारे तो बड़े स्कूल हैं तो हम इसको कर सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ के बच्चों की संख्या बहुत कम है और हम सपोर्ट फंड जो बहुत कम देते हैं उनके लिए ये दिक्कत हो जाती है, तो फिर उससे क्या होता है कि पार्टिसिपेशन कम हो जाती है, तो ये अलग विषय है। अंत में मैं तरुण पठानिया जी का बहुत आभारी रहूंगा जिन्होंने इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले लगभग 150 छात्रों को अपने स्कूल में ठहराया और उनको ब्रेकफास्ट भी दिया और लंच भी दिया और साथ में इन्होंने जो हमारी सबसे बड़ी इस विद्यालय की समस्या है कि यहाँ कच्चा ग्राउंड नहीं है क्योंकि खोखो चलती है, क्योंकि 5 मिनट से एक इवेंट जो है खोखो का भी होता है, तो इन्होंने ये जिम्मा उठाया कि कोई बात नहीं खोखो आप हमारे विद्यालय में करवा सकते हैं और जिसके लिए इन्होंने स्पेशल जो पिच का निर्माण किया ये सिर्फ हमारे लिए मूल्यांकन किया जिसके ये मैं इनका हमेशा ही आभारी रहूंगा। ज्यादा ना बोलते हुए उन्होंने पहले कहा आपको कि अगर इसको खींचूंगा तो फिर ये लंबा हो जाएगा, तो ज्यादा ना बोलते इस अवसर पर
प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इनका समस्त स्टाफ, समस्त स्पोर्ट्स एसोसिएशन के टीम, समस्त शारीरिक शिक्षक और जितने भी हमारे नूरपुर जोन के प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक और अन्य शिक्षक जो कि बच्चों के साथ आए हुए हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि इस अवसर पर मुझे आपके बीच आने का मौका मिला। इसके लिए मैं आभारी हूँ सभी के। हमारे साथ ग्राम पंचायत जसूर की प्रधान जी बैठी हुई है, एसएमसी प्रधान जी और उनकी समस्त टीम है, और जसूर के जैसे कि प्रधानाचार्य महोदय ने यहाँ पे रिस्त पड़ी है, जिसमें स्वेच्छा से सेवा करने के लिए जो लोग आए हैं, दानी लोग आगे आए हैं, सेवा भाव से आगे लोग आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से जब ये इवेंट किए जाते हैं, सबसे पहले बात चलती है कि ग्राउंड कहाँ कहाँ पर है। ग्राउंड बहुत है हमारे नूरपुर जोन में, हर बार कहीं ना कहीं सुलियाली, लदोड़ी तो हर साल ही आ जाता है। ये स्कूल के प्रधानाचार्य समय समय पर आगे बढ़कर के टूर्नामेंट लेते हैं और संपन्न करवाते हैं। जहाँ तक अंडर 19 बॉयज टूर्नामेंट की बात है, ये एक उत्सव की तरह होता है, क्योंकि जब गर्ल्स टूर्नामेंट की बात आती है तो कुछ विद्यालय लड़कियों को नहीं भेजना चाहते या पार्टिसिपेट नहीं करवाते हैं, लेकिन जो लड़के हैं वो वर्ष भर मेहनत करते हैं अपने शारीरिक शिक्षकों के साथ, जो भी इनके गाइड होते हैं उनके साथ, कोचिस होते हैं उनके साथ। तो एक महापर्व होता है खेलों का, जो कि आज इस बार इस जसूर विद्यालय में संपन्न हुआ। बहुत सारे लोग इसके गवाह बने हैं, प्रत्यक्षदर्शी बने हैं कि किस तरह से इवेंट करवाए जाते हैं। सबसे बहुत बड़ी बधाई जो है स्थानीय विद्यालय के स्टाफ को, स्थानीय जनता को, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों को, एसएमसी के प्रतिनिधियों को, और सबसे बड़ा योगदान कन्वीनियंस टीम का रहता है, जो कि मैदान में उतर करके ना धूप देखते हैं ना बरसात देखते हैं, बीच में खड़े होकर के मैचेस पूरे करवाते हैं। तो खिलाड़ियों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप खेल की भावना से उतरे हैं, चार दिन आपने कड़ी धूप में अपना पसीना बहाया अपने शारीरिक शिक्षकों के साथ साथ, और आज परिणाम सामने हैं। जो जो जीते हैं उन्हें भी यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा, और जो उप विजेता रहे हैं उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। हमारे स्नेही करुण पठानिया जी यहाँ पर हैं, इनके पिताजी को भी हम जानते थे, और इन्होंने आगे बढ़कर जो हाथ बढ़ाया है, बच्चों की सेवा की है। जसूर स्कूल हमेशा इसका ऋणी रहेगा, शिक्षा विभाग भी इसका ऋणी रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आगे हाथ बढ़ाते हैं और आपका हाथ थाम करके कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, सारा काम हो जाएगा। दिन रात ये कार्य चलता है, दिन रात यहाँ पर खाने की व्यवस्था रहती है और त्रुटियाँ भी रहती हैं, लेकिन जहाँ बढ़िया तरीके से इवेंट होते हैं वहाँ त्रुटियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, यही हमारे शिक्षित और विद्वान लोगों का कार्य बनता है, उत्तरदायित्व बनता है। सभी शारीरिक शिक्षकों से मैं कहना चाहूँगी कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकालिए, और अभी हमने एक लास्ट परिणाम यहाँ पर देखा, वॉलीबॉल का मैच हमने देखा, अपने कार्यकाल में भी मैच देखे हैं, ये सभी लोग मेरे चिर परिचित हैं और बहुत मेहनत से मैचेस करवाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और एक एक पॉइंट के लिए बड़ी कड़ी पैनी नज़र रख करके ही रिजल्ट बाहर ला करके आते हैं, ताकि जो जोन जीतता है वो जोन जिला कांगड़ा में अपना नाम रोशन करे, और जिला कांगड़ा में जब वो जीतता है तो गर्व की बात होती है कि स्टेट में जाकर के, राज्य स्तर पर जाकर के एक जोन के खिलाड़ी की पहचान बनती है, तो सभी अध्यापकों का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है।
बॉयज के लिए मैं कहना चाहूंगी कि दिन प्रतिदिन स्टैमिना जो है वो कम होता जा रहा है। वो क्यों कम हो रहा है? हर घड़ी एक बीमारी आपके साथ चिपकी हुई है, वो है मोबाइल। उसे आप छोड़ ही नहीं सकते। आप खाना छोड़ सकते हैं, माता पिता को भूल सकते हैं, दोस्तों को साथियों को भूल सकते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ते। तो आपके शरीर की एनर्जी कहाँ से चैनलाइज हो रही है? आप तो कमज़ोर होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, मानसिक तौर पर भी, बौद्धिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। इसलिए जो बच्चे जज्बा रखते हैं आर्मी में जाने का, पुलिस में जाने का, अदर सेवाओं में जाने का, वो बच्चे कम से कम इस मोबाइल से थोड़ा थोड़ा दूरी बनाएं, धीरे धीरे आदत बन जाए, नशे से दूर रहें, क्योंकि दिन प्रतिदिन हिमाचल में नशा जो है वो बढ़ता जा रहा है। हर कोने पे, हर नुक्कड़ पे, हर जगह हो सकता है मेरी बगल में कोई खड़ा है, जिस ग्रुप में मैं खड़ी हूँ उस ग्रुप में ही कोई घात लगाए बैठा है कि कब मैं इसको चस्का लगाऊं। घर बैठे आपके माता पिता को नहीं पता कि आप कब भटक जाएंगे और कब आप ट्रैक से बाहर हो गए, कब उनसे दूर हो गए और कब अपने लक्ष्य से दूर हो गए। तो इसलिए प्यारे खिलाड़ियों, अपनी प्रतिस्पर्धा के इस युग में प्रतिस्पर्धा की ओर ध्यान दो। हर फील्ड में कंपटीशन है और कंपटीशन तभी लड़े जाते हैं जब आप मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ होंगे। इसलिए स्वास्थ्य केवल खाना पीना और शरीर को हेल्दी करना नहीं है, दिमाग को हेल्दी करना